नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अयोध्या में एक जाने माने संत और भविष्यवक्ता रहते हैं जिनका नाम हरिदयाल मिश्र हैं। उन्होंने आज से कई साल पहले इंदिरा गांधी के मौत की भविष्यवाणी और संजय गांधी के मौत की भविष्यवाणी कर दी थी, यानी कि उनकी मृत्यु से पहले ही उन्होंने इंदिरा गांधी और संजय गांधी के मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। और जब उन दोनों की मौत हुई तब वह चर्चा का विषय बन गए थे और उसकी वजह से उन्हें कई प्रकार की सरकारी एजेंसियों, सरकारी झांसों से गुजरना पड़ा। पुलिस के कई सवालों का जवाब भी उन्हें देना पड़ा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उन्होंने वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के भी एक बहुत ही भविष्यवाणी की है, जिसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग सत्ते में आ गए हैं। दोस्तों, उन्होंने कौन सी भविष्यवाणी की है नरेंद्र मोदी को लेकर के, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप भी रोजाना इसी तरह भविष्यवाणी से संबंधित वीडियो और अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जब मौत हुई थी तो उसके बाद जब संजय गांधी की मृत्यु हुई तब अयोध्या में निवास करने वाले हरिदयाल मिश्र जी की भविष्यवाणी, जिन्होंने मृत्यु के पहले से ही कर दी थी, वह चर्चा का विषय बन गया था। उन्होंने पहले ही उन दोनों की मृत्यु के बारे में बता दिया था। और दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी खबर थी, क्योंकि जब किसी देश का प्रधानमंत्री कोई होता है तो उसका कद सबसे ज्यादा होता है और पूरे देश भर में उसकी चर्चा होती रहती है। और ऐसे में यदि उस प्रधानमंत्री के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति मौत की भविष्यवाणी कर दे तो हर व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के बारे में जानना चाहेगा कि किस प्रकार से हुआ। जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी तब इंदिरा गांधी की मौत के बाद अयोध्या निवासी हरिदयाल मिश्र जी सुर्खियों में आ गए थे। जैसे ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई वैसे ही हरिदयाल मिश्र जी के ऊपर सरकारी एजेंसियों, सरकारी कमेटी, जांच के लिए पुलिस अधिकारी बैठा दी गई और उनसे कई सवाल पूछे गए। लेकिन बाद में यह स्पष्ट रूप से पता चल गया कि भविष्यवाणी के माध्यम से ही उन्होंने मृत्यु के बारे में बताया था। लेकिन दोस्तों, अब चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने वर्तमान समय में देश के जाने माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी भविष्यवाणी कर दी है। इसके बारे में जानना हर कोई चाहता है। नरेंद्र मोदी के बारे में आखिर उन्होंने क्या कहा है, कौन सी बड़ी भविष्यवाणी की है, यह एक रहस्य बना हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके यह पूरे सोशल मीडिया पर फैल गया और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को लेकर के जो भविष्यवाणी उन्होंने की है उसके माध्यम से उन्होंने चुनाव की तरफ इशारा किया है, यानी कि साल 2024 में जो चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री का चुनाव, उसको लेकर के उन्होंने भविष्यवाणी की है। और नरेंद्र मोदी को भी जोड़ करके इसमें उन्होंने भविष्यवाणी की है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी को लेकर के भी उन्होंने भविष्यवाणी की है। 2024 में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों में कौन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, दोनों के ग्रह सितारे किस प्रकार से संकेत दे रहे हैं, इन सभी के बारे में उन्होंने बताया है। दोस्तों, केंद्र सरकार का चुनाव कुछ ही सालों में होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी को लेकर के जो भविष्यवाणी उन्होंने की है उनके मुताबिक राहुल गांधी का वर्तमान का समय उतना अच्छा नहीं चल रहा है, यानी कि राहुल गांधी को किस्मत का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में गोचर करने वाले ग्रहों की स्थिति और राहुल गांधी के जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, इन दोनों को उन्होंने जोड़ करके बताया है कि इन दोनों के मुताबिक वर्तमान का समय राहुल गांधी के लिए उतना अच्छा नहीं है।
उन्होंने बताया है कि अभी राहुल गांधी को राजनीति में ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, यदि करेंगे तो वह विफल हो जाएंगे। जब उनके लिए अच्छा समय आएगा तब वह राजनीति में कुछ सफलता हासिल करेंगे, उससे पहले उनका सफल हो पाना थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, वही भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की गोचर कुंडली, इन दोनों की स्थिति बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है, यानी कि ग्रह सितारे नरेंद्र मोदी के जीवन में मजबूत स्थिति में वर्तमान समय में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को न सिर्फ जनता का सपोर्ट है बल्कि ग्रह नक्षत्रों का भी सपोर्ट है, जिसकी वजह से आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी का जीतना तय है, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी की है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को लेकर के और कई भविष्यवाणी उन्होंने की है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में ही जानने वाले हैं। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी के ग्रह सितारे प्रबल रूप से मजबूत हैं, जिसकी वजह से वे दुनिया भर में प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए एक से बढ़कर एक कार्य किया है, वह उनके ग्रह नक्षत्र के सपोर्ट की वजह से हुआ है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे भी आने वाले समय में कार्य करने वाले हैं, जिसके बारे में उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी भविष्यवाणी में बता दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उन्होंने नरेंद्र मोदी के नोटबंदी, तीन तलाक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े कदमों की सराहना की है और कहा है कि इस प्रकार के बड़े कदम देश को एक मजबूत स्थिति की ओर ले जाने के लिए सहायक साबित हुए हैं। ठीक ऐसा ही बड़ा कदम आने वाले समय में भी हमें देखने को मिल सकता है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।